कि 50 सीआर है, 100 है, 500 है, उसमें जो बात है वो सही है। 20 लाख सरकारी नौकरी खाली है, मोदी साहब भर्ती करो। नमस्कार, मैं शंभु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए नीतीश कुमार के एक बयान की वजह से किस तरह से उनको ट्रोल किया गया। 3-4 दिनों से मीडिया की ट्रोलिंग चल रही है। मीडिया का बस चले तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से नहीं फांसी की सजा दे दे। लेकिन इसी देश में एक केंद्रीय मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, मध्य प्रदेश के, वो अब विधानसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं। उनके बेटे पर 10,000 करोड़ के स्कैम का आरोप लगा। वीडियो दिख रहा है जिसमें वो बोल रहे हैं, उसके बाद भी आपने मीडिया में कोई खबर देखी? मैं फिर कह रहा हूं ये जातिवादियों का अड्डा है, ये मनुवादियों का अड्डा है, ब्राह्मणवादियों का अड्डा है, और SC ST OBC समाज के नेताओं को सावधान रहना चाहिए। वो वीडियो मैं सुनाता हूं, वो आदमी भी अब प्रकट हो गया है जो आदमी उस वीडियो कह रहा है कि हमने उससे बात की थी, और ये मामला 10,000 करोड़ का है, कैसे पैसे की लेन देन होती है, वो वीडियो सामने आ चुका है, वो आदमी सामने आ चुका है और वो कह रहा है। लेकिन उससे पहले आपको मीडिया की वो करतूत दिखाएंगे, ये मनुवादी मीडिया, गोदी मीडिया। सोचिए कितना बेईमान और बेशर्म है ये लोग, कि इनकी हैसियत नहीं है कि नरेंद्र तोमर के खिलाफ एक बुलेटिन चला दे। और किस तरह से आज नरेंद्र तोमर ने इन मीडिया वालों की औकात दिखाई। इसे बहुजन नेता क्यों डरते हैं मुझे आज तक समझ नहीं आया। ये लोग बहुजन समाज के नेताओं के मुंह में माइक लगा देते हैं। इनके साथ क्या किया नरेंद्र सिंह तोमर ने, वो एक वीडियो दिखाऊंगा तो आप सोचेंगे कि बिल्कुल इनके साथ सही हुआ है। सोचिए, ये वीडियो सुनिए, देखिए, उसके बाद जब मीडिया वाले ने पूछा तो इस शख्स ने सिर्फ हाथ झटक दिया, कहा कि 2 कौड़ी के तुम पत्रकार हो, ये सिर्फ बहुजन समाज पर भौंक सकते हैं और कहीं नहीं। सोचिए नरेंद्र तोमर की जगह और कोई बहुजन समाज का नेता होता तो ये लोग मंच सजा के बैठ जाता और न जाने क्या क्या कहता। ये तो बहुजन समाज की कमजोरी है जो अपने ही नेताओं को चोर, बेईमान और भ्रष्ट मान लेता है। इस देश में मीडिया की नजरों में बहुजन समाज के नेता चोर हैं, बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं, बाकी सब दूध के धूले हैं। और अब इस दूध के धूले का वो वीडियो दिखा रहा हूं, जो शख्स ने वीडियो बनाया उसने अपना वीडियो जारी किया, देखिए। दोस्तों सभी को नमस्कार, मेरा नाम जगमनदीप सिंह है, मैं कनाडा एब्सपोर्ट में रहता हूँ। 2-3 दिन से एक वीडियो मेरा वायरल हो रहा है फेसबुक पे, 4-5 दिन हो गए आई थिंक, मुझे किसी ने बताया तो मैंने देखा। वो वीडियो जो है वो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे देवेंद्र तोमर जी का है। अब उसमें जो दूसरी आवाज है वो मेरी है। और ये वीडियो कैसे बना है उसमें मैं ना जाऊं, वो मेरे घर पे फार्म वाला घर है और घर का एड्रेस भी मैं बता देता हूँ, 35826 साउथ पैरेलल रोड, वहां पे बना हुआ है। मैं उसकी रूम की भी वीडियोग्राफी करके डाल दूंगा। उसमें जो बात है वो सही है। वो एक खनन वाली कंपनी से पैसे का लेन देन हुआ है। वो क्या था कि वो मेरी इनसे दोस्ती थी प्रबल सिंह तोमर जी से, और दोस्ती हुई तकरीबन 2018 में। 2018 मतलब 2018 गया, 2020 मार्च में मैं इनको मिलने के लिए गया, जब लॉकडाउन हुआ 13 मार्च को, तो मैं इंडिया में था और मैं नंबर 3 कृष्णा मैन मार्ग पे था। और मैं जो हूँ, मैं ब्लूबेरी की और भांग की, गांजा की खेती करता हूँ, तो इनको भी कनाडा में
गांजा की भांग की खेती के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी थी, लेकिन वो बोले जी हमारे पास अभी तो अपना पैसा नहीं, कहीं से बनेगा तो हम जरूर लगाएंगे। आगे जब बात हुई, फ्रेंड बने, तो जो त्यागी जी का उसमें जिक्र है, जो मनेडो का, कोहली साहब का जिक्र है मेरे उनके सभी के। अब मैं वो आपको वीडियो पहले दिखा दूं, तो जो वीडियो वायरल हो रहा है, और समझिए कि तब जाकर आपको अंदाजा हो जाएगा। दो वीडियो वायरल हो रहा है तोमर के बेटे का। मेरा सवाल यह है कि ये चैनल पर खबरें नहीं चल रही, ये झूठ है सच है ये तो समय बताएगा, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि अगर ये बहुजन समाज का वीडियो होता, किसी बहुजन नेता का वीडियो होता, तो आप कल्पना कीजिए कि मीडिया खाल खींच ली होती। ये देखिए, एक और थी पार्टी वो त्यागी जी की, अगर आपने नाम सुना हो त्यागी जी, मैं आपको बताता रहता हूँ, आरबीआई से जो रिटायर्ड है कमिश्नर, उनकी पार्टी है, वो भी लखनऊ में है, वो 100 CR दे रहा है हमको, वो थर्सडे होना है, लेकिन ये जिसने 18 दिया है ना जी, अपने सेट कर लिया है अकाउंट्स में, ये 21 देगा नेक्स्ट मंडे को, तो ट्यूसडे को चेक कीजिए क्या डेट है, ट्यूसडे आई थिंक होगी, आज कितनी हो गई जी, बस अच्छा उसका भैया अपने बैंक वाले का उसका कॉन्फर्मेशन आ गया था, बोला है कि फ्राइडे तक जी आपका ये सारा 18 का 18 CR टोटल जमा हो जाएगा 4 अकाउंट्स में, तो उसके बाद मुझे चाहिए एक अकाउंट जहाँ पे आपको या रोहित भैया को किसी को भी भेजना है वो वाला जी। तो वो बोले कि नेक्स्ट वीक, जैसे मैंने आपको टेक्स्ट किया था कि मंडे या ट्यूसडे वो इस 4 अकाउंट में से 4 ट्रांजैक्शन बना के 4-4। तो सोचिए इस तरह की वीडियो वायरल हो रही है, और एक और वीडियो सुनिए। इनको क्या है भैया, उनके पास एवरी मंथ उनका CA हमें बताएगा कि 50 CR है, 100 है 500 है, कितना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो एवरी मंथ लेना है, नो प्रॉब्लम। अभी पहले मंथ में कितना देंगे? पहले में मैंने उनको 250 बोला है, ठीक है, 250 बोला है, तो उसका CA आज ना मेरे बैंक मैनेजर को मिलेगा, क्योंकि वो वहां से कन्वर्ट करके आपके पास आ गया, और आपके पास से वो मुनेडो में, आप उसको जैसे भी भेजना है आप उनको भेजिए। आप तो अपने अकाउंट में मंगा लो उसके बाद भेज। हाँ, तो मुनेडो में ना कम से कम 50% रखिए अपना इक्विटी स्टेक, रखेंगे नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। मनी का एक बार प्रॉपर हो जाए उसमें तो अपन कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, मनी का मैंने आज उनको बोल देता हूँ कि जी आप चैनल कीजिए, हम रेडी हैं, ठीक है जी। तो मैं आज शाम तक आपको करके सारा तो बताता हूँ, ठीक है जी, ठीक है, ओके भैया। तो ये जो बातचीत में जो भैया कह रहा है, एक तरफ जो तस्वीरें दिख रही है, ये वीडियो देखिए, ये ट्रांसफर, ठीक है, और चंडीगढ़ से भी, ठीक है। तो इनको क्या है भैया, इनके पास एवरी मंथ उनका CA ये महुआ मोहित्रा ने के फैंस ने शेयर किया। तो सोचिए इस तरह की खबरें हैं, और इस तरह की खबर पर मीडिया ऐसे व्यवहार कर रही है, सोचिए ऐसे। लेकिन सोचिए, चेहरे पर सिकर नहीं है, चुनाव के लिए मुद्दा नहीं है, और कल्पना कीजिए कि यही आरोप बहुजन समाज के किसी नीतीश कुमार के बेटे पर लग जाए। बहन जी तो मुफ्त में बदनाम है, अखिलेश यादव, मायावती, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, स्टालिन, सारे बहुजन नेता इस देश में चोर हैं, और बाकी सारे सवर्ण नेता दूध के धुले हैं। ये मनुवादी मीडिया, जातिवादी मीडिया, ब्राह्मणवादी मीडिया, ये आपके नेताओं को बदनाम करती है, ये आपके अधिकारियों को बदनाम करती है, ये लोग दूध के धुले हैं। ये सोचिए इस देश का SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक खीरा चोरी के झूठे आरोप में जेल में सड़ता है, और ये लोग सोने के चम्मच से लेकर चांदी के बर्तन में खाना खाता है। इस आदमी का कहना है कि 10,000 करोड़ का लेन देन हुआ है, और कनाडा में फार्म लैंड खरीदा गया है।
और सोचिए ये आरोप है, झूठ है, फर्जी है, मुझे नहीं पता, लेकिन सवाल है कि लालू, सोचिए तेजस्वी यादव के, उनका मॉल है तो फलाना है, ढमकाना है। इस देश की मीडिया सिर्फ बहुजनों को सत्ता से दूर रखती है, आपको झूठ और फरेब फैलाती है और आपके नेताओं को बेईमान कहती है। इस देश के बहुजनों को समझना पड़ेगा कि आपका नेता जब जीतता है तो पढ़ाई लिखाई दवाई स्कूल अस्पताल चलाता है। इस देश का आखिरी किला जो है वो मीडिया है, जिस पर बहुजन जब तक नहीं जाएंगे तब तक स्थिति नहीं बदलेगी। आप सोचिए अगर ऐसा वीडियो मेरे बारे में आ जाए, किसी बहुजन नेता के बारे में आ जाए, नेता के बेटा के बारे में आ जाए, तो सोचिए क्या होगा। नीतीश कुमार को कैसे ये लोग 65% रिजर्वेशन देने की वजह से गिरे, तो मैं फिर कह रहा हूं, राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि जाति व्यवस्था नहीं है, वर्ण व्यवस्था नहीं है, कुव्यवस्था है। उसी तरह से इस देश का टीवी और अखबार मनुवाद का स्पोक्स पर्सन है, जो दो आपके घरों में दो मनुवादी रहते हैं, एक टीवी और अखबार, इनको घर से निकालिए। इस देश में बहुजनों के हक अधिकार के खिलाफ है टीवी अखबार, और ये जो दिखाते हैं वो खबर नहीं प्रचार है। और जिस नेता बहुजन नेता के बयान को ये लोग विवादित कहे उसको अच्छा मान लीजिए, और जिस बहुजन नेता को मीडिया सबसे ज्यादा खराब कहे, लालू यादव, मायावती जी, अखिलेश यादव, वो समझिए बहुजनों के लिए सच्चा है। समझिए बहुजन समाज के लोगों, नहीं समझेंगे तो देर हो जाएगी। और इसीलिए जो 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव है उसमें कम मजबूत नहीं कमजोर सरकार चुनिए, मिलीजुली सरकार चुनिए। माननीय साहब ने कहा है मिलीजुली सरकार जनता के पक्ष में फैसले लेती है। चलिए दो और खबर आपको सुनाता हूं आज पॉलिटिकल, चूंकि आपको बता दूं 17 तारीख को दूसरे दौर की वोटिंग है, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। और मैं इसीलिए कह रहा हूं बहुजन समाज के लोगों को कि किस तरह से ये सबसे बड़ा जो सवाल है वो आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए। तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, सोचिए अपने तो अपने होते हैं, खड़गे साहब ने सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है, ये देखिए। ये देश में 30 लाख सरकारी नौकरी खाली है, कितने हैं? 30 लाख। मोदी साहब भर्ती करो, रेलवे में खाली है, पोस्ट ऑफिस में खाली है, स्कूल में खाली है, डिफेंस में खाली है, हर जगह खाली है। मैंने वो टोटल सब पार्लियामेंट से लिया, 30 लाख नौकरियां खाली है। और 30 लाख में आप भर्ती कितना कर रहे हैं? 10,000, 15,000, 20,000 करके क्या करते हैं उसमें, कि जैसा कि ये पहले तो आपको नौकरी करने वालों को भी मालूम है, फिर दूसरों को भी मालूम है, वो पोस्ट ऑफिस से आता था आपकी नौकरी, आपको नौकरी मिली और ये जगह पे आप जाके रिपोर्ट करो। अब सब छोड़ के मोदी साहब क्या कर रहे हैं, ये जो नौकरी मिलती है या अपॉइंट होते हैं, मुस्लिम हिंदू कोई भी हो सर्व कास्ट, उनको स्टेज पे बुलाते हैं, स्टेज पे बुलाकर वो अपॉइंटमेंट के ऑर्डर, वो भी उसमें खास आरएसएस के लोग ही रहते हैं, इन्हें चुने गिने सैंपल के लिए, ये दलित बैकवर्ड किसान के बच्चे ये रहते हैं, तो वो सबको खड़ा करके मोदी जी ऐसा दिखाते हैं, उन्होंने पकड़ो भाई ऐसा दिखाते हैं ये मिली नौकरी। अरे 30 लाख नौकरियां हैं और तुम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए प्रधानमंत्री दे रहा है देश में। तो बगल में जो खड़े थे फूल सिंह बरैया हैं, बड़े नेता थे बहुजन समाज के, और सोचिए ये स्थिति है। और ये अखिलेश यादव ने क्या कहा मध्य प्रदेश में, सुनिए। 27% लागू होना चाहिए, और जिन प्रदेशों में सरकारें ऐसी बनी जिन्होंने पिछड़े दलित और आदिवासी के हक और सम्मान को समझा, बाबा साहब का संविधान के तहत जिनको मिल सकता था वो मिला है। आप उत्तर प्रदेश देख लो, बिहार देख लो, अब तो बिहार एक कदम और आगे चला गया। जिस तरह दक्षिण भारत में है कि आरक्षण की सीमा बहुत है,
उस दिशा में बिहार भी चला गया और मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जनता जब जाग जाएगी तो वो भी वही तरीका अपनाएगी कि सबकी जनसंख्या गिनी जाए वो आबादी के हिसाब से दें। और सबसे बड़ा चीज ये देखिए कि कांग्रेस भी जाति गणना की बात कर रही है, कांग्रेस भी एक्सरे समाज की बात कर रही है। एक्सरे समाज का हो, अरे इतनी पुरानी बात क्यों कर रहे हो, आजकल तो MRI CT स्कैन है, आप 3 महीने में गिन सकते हो जाति। आज टेक्नोलॉजी है, आज इतना सब कुछ डेटा अवेलेबल है, सबका आधार बना हुआ है, आपको समय क्यों लगेगा। इसलिए जो एक्सरे की बात कर रहे हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने कभी आजादी के बाद से जाति गणना रोकी। और सोचिए आज मायावती जी, BSP सुप्रीमो मायावती की बड़ी बड़ी रैलियां हुई है मुरैना और भिंड में, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किस तरह की भीड़ जुटी है। तो सोचिए वो तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जो बहुजन समाज के लिए जरूरी है, और ये वो खबरें है जो कोई और आपको नहीं बताएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और आज की कुछ बड़ी खबरें थी जो आपको कभी भी TV अखबार, मनुवादी अखबार नहीं दिखाएगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तस्वीरें देखिए, मार्केट में अगर आप 4-व्हीलर या 2-व्हीलर खरीदने जाते हो, नहीं जाते हो तो पुरानी आवाज सही नहीं है, ये भी नहीं जाते हो ना, नई गाड़ी का चलने का आनंद अलग है, क्या कहना है आपका। तो ये बड़ा जनसैलाब उमड़ा है और ये बड़ा प्रदर्शन जो है, और मुरैना भिंड में आज BSP सुप्रीमो मायावती की रैली थी और बड़ी भीड़ उमड़ी है। तो ये सोशल मीडिया पर वो तमाम बड़ी खबरें थी जो आपके लिए जरूरी थी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।